एक प्रिजन गार्ड जो डेथ रो के प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करता है, उसने ऐसे एक प्रिजनर का एग्जीक्यूशन किया और उसके बाद वो उसकी वाइफ से ही मिलता है। अब आगे क्या होगा ये हम इस मूवी में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉन्स्टर्स बॉल ये 2001 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हैंक को देखते हैं। उसे रात में नींद नहीं आती तो हमेशा एक जगह पर जाकर वो आइसक्रीम खाता है। इसी के पैरेलल में हम उसके बेटे को देखते हैं जिसका नाम है सोनी। सोनी एक मोटेल पर आया हुआ था, वहीं पर एक सेक्स वर्कर के साथ वो इंटीमेट हो जाता है। उसी को डिनर के लिए पूछ रहा था, डेट पर लेकर जाना चाहता था पर उसे मना कर देती है। हैंक के घर पर उसके ओल्ड फादर भी है। एक दिन जब वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो इनके गार्डन में कुछ ब्लैक लड़के थे। हैंक और उसके फादर को ब्लैक लोगों से सख्त नफरत थी। उन्हें अपने प्रॉपर्टी से निकालने के लिए हैंक डायरेक्टली गन ही लेकर गया। एक्चुअल में लड़के सोनी के फ्रेंड्स थे। सोनी भी देखता है तो अपने फादर को रोक लेता है। हैंक ने वार्निंग दी कि दोनों मुझे कभी भी दिखने नहीं चाहिए। हैंक एक प्रिजन गार्ड है, डेथ रो के कैदियों को एग्जीक्यूशन करने का काम उसका होता है। जब वो अपने काम पर जा रहा था तो इन दोनों लड़कों ने अपने फादर को कहा और ये उससे मिलने के लिए आए। फादर गुस्सा थे, वो हैंक से कहते हैं, मेरे लड़के किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, तुम्हें गन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी, अगर तुम गुस्सा थे तो मेरे पास आ सकते थे, वो उससे कभी भी फाइट करने के लिए रेडी है। हैंक कहता है, इन दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से दूर रखना, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब एक दो दिनों में हैंक और उसकी टीम एक प्रिजनर को एग्जीक्यूट करने वाले थे। यहाँ हम देखते हैं हैंक के साथ उसका बेटा सोनी भी काम करता है। यहाँ प्रैक्टिस करते हुए सोनी ने कुछ गलती की थी। हैंक उसे कहता है, इस तरीके की गलती नहीं चलेगी, हम सब लोगों को बहुत ही परफेक्ट काम करना पड़ता है। सोनी फर्स्ट टाइम किसी प्रिजनर को एग्जीक्यूट करने वाला था, शायद इसी वजह से नर्वस होगा, इसलिए हैंक उसे कहता है कि यह सिर्फ एक जॉब है, इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। नेक्स्ट सीन में उस प्रिजनर से मिलने के लिए उसकी फैमिली आई हुई थी। उसका बेटा और एक वाइफ है, वाइफ का नाम है लटेशिया। ये प्रिजनर बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनाता था। ये अपने बेटे को उसने दिखाए, कहा कि आज के बाद तुम मुझे मिल नहीं सकते। बेटा पूछता है कि ऐसा क्यों। प्रिजनर ने कहा कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। जो ड्राइंग के टैलेंट प्रिजनर में थे वही उसके बेटे में भी है, वो भी बहुत अच्छे से ड्राइंग करता है। स्कूल की मैगजीन में भी उसका ड्राइंग आने वाला था। प्रिजनर को सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो उसे कहता है, मुझ में जो भी गलत है वो तुम्हारा नहीं, तुम सिर्फ मेरा बेस्ट पार्ट हो। फिर उसने लटिशिया से बात की, उसे सॉरी कहा। पिछले 12 सालों से ये प्रिजनर मर्डर के इल्जाम में जेल में था। लटिशिया को हर वीक अपने बेटे को लेकर आना पड़ता था। उसे बुरा तो लगता है पर इन सब से वो तंग आ चुकी थी। अब फाइनली उसके एग्जीक्यूशन का डे आया। उसे मरने से पहले ड्राइंग करनी थी। उसके पास सोनी और हैंकी थे तो उनकी ड्राइंग वो बनाता है। उसकी विश थी कि लास्ट टाइम अपने बेटे से वो फोन पर बात कर पाए, पर प्रिजन के ऑफिसर ही मना करते हैं। घर पर लटिशिया और उसका बेटा इस फोन कॉल का वेट कर रहे थे। लटिशिया भी आज बहुत डिस्टर्ब थी। उसने देखा कि उसका बेटा छुप छुप कर चॉकलेट खा रहा था, उसे बहुत मारती है क्योंकि वो ऑबेस हो चुका था। वो अपने बेटे को फिट देखना चाहती थी। जब प्रिजनर को ले जाया जा रहा था तब अचानक से सोनी को उल्टी आ गई। प्रिजनर का एग्जीक्यूशन हुआ पर हैंक सोनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि प्रिजनर की लास्ट वॉक इस सोनी की वजह से बर्बाद हो गई। उस पर बहुत गुस्सा हो गया था, उसे बहुत मारता है। सब गार्ड्स ने मिलकर हैंक को रोक लिया। अगली सुबह हैंक सोनी के पास आया, उसे कहता है कि घर से निकल जाओ। सोनी भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसने अपनी गन निकाली और हैंक को बहुत मारता है। कहता है कि अब देखो कैसा लगता है। सोनी ने हैंक से पूछा, क्या तुम मुझे हेट करते हो। हैंक की मदर सोनी को छोड़कर चली गई थी और सोनी उसे उसकी याद दिलाता है, तो इसी वजह से हैंक ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें हेट करता हूँ। सोनी को बहुत बुरा लगा, वो अपनी गन से खुदकुशी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लटिशा अपने जॉब पर गई थी पर वो हमेशा लेट हो जाती है क्योंकि अपने बेटे का उसे ख्याल रखना पड़ता है। उसका बॉस इससे तंग आ चुका था, इस वजह से उसने उसे फायर कर दिया। आजकल लटिशा को पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, अगर उसने पैसे नहीं लाए तो अपना घर भी खो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनी का फ्यूनरल हुआ। सोनी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो वीक था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैंक को बहुत बुरा लगता है। जहाँ पर सोनी की डेथ हुई थी वहाँ से उसने बुलेट निकाली। रात में वो फिर से आइसक्रीम खाने के लिए गया। उसकी हमेशा की वेटर अब यहाँ नहीं थी तो इसके जगह पर लटिशिया थी। उसने इस जगह पर जॉब ले लिया था। ये दोनों थोड़ी सी फॉर्मल बातें करते हैं। उसके बाद हैंक यहाँ से चला गया। वो फिर उसी लड़की के पास आता है जिसके पास सोनी जाया करता था। उस लड़की ने पूछा कि सोनी कैसा है।
सोनी की बात सुनकर हैंक बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया। वो वैसे ही वहाँ से चला जाता है। अब वो ये जॉब नहीं कर सकता था। हैंक ने रियलाइज़ किया कि जो जॉब वो और सोनी करते हैं ये बहुत ही घटिया है। इसी जॉब की वजह से सोनी ने सुसाइड कर ली। अब वो ये जॉब नहीं करना चाहता था तो इसे रिज़ाइन कर देता है। ये बात जब उसने अपने फादर से कही तो कहते हैं, तूने बहुत बड़ी गलती की, तुम मुझे अपनी मदर की याद दिलाते हो। हैंक की मदर भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। हैंक पूछता है, मैं मेरी मदर की तरह हूँ, क्या एक गलत बात है? उसके फादर कहते कि नहीं, तुम्हारे मदर के जाने के बाद मैंने बहुत मजे किए थे, पर अब हम देख सकते हैं कि हैंक के फादर अकेले हैं। हैंक उनमें अपने आप को देखता है, उन जैसा उसे नहीं बनना। वो पूरे टाउन पर घूमा और अपने लिए एक पेट्रोल पंप बाय कर लेता है। एक रात लटिशिया की ड्यूटी खत्म हुई पर बाहर बहुत बारिश थी। वो अपने कस्टमर की छतरी चुरा लेती है। जब ये दोनों रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने उसके बेटे को गाड़ी से उड़ा दिया। शायद ये वही गुंडे थे जिनकी अम्ब्रेला उन्होंने ली थी। रास्ते पर लटिशिया लोगों की हेल्प मांगती है। वहां से हैंक गुजर रहा था तो उसे हेल्प करता है। ये दोनों हॉस्पिटल में आए। लटिशिया के बेटे को बचाने की कोशिश डॉक्टर्स ने बहुत की पर उसे बचा नहीं पाए। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो सिर्फ हैंक को जानती है तो उसे गले लगा लेती है। डिटेक्टिव्स ने कहा, तुम उसे घर लेकर जाओ। हैंक लटिशिया से कहता है कि जिसने भी ये किया वो बचेगा नहीं। मैंने डिटेक्टिव से बात की और इसकी इन्वेस्टिगेशन वो करने वाले हैं। लटिशिया कहती है, क्या वो सचमुच में करेंगे? अमेरिका में ब्लैक लड़के के मर्डरर की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला। अगले दिन सोनी के फ्रेंड्स हैंक से मिलने के लिए आए हुए थे और सोनी के लिए उन्हें सॉरी कहते हैं। हैंक ने फर्स्ट टाइम उनका नाम उनसे पूछा। वो जब सिटी में जा रहा था तो लटिशिया वॉक करते करते अपने जॉब पर जा रही थी। उसे लिफ्ट दे देता है। हैंक ने घर आकर अपने फादर से कहा कि मैंने गैस स्टेशन बाय कर लिया है, पर उसके फादर को सही नहीं लगता। रात में हैंक फिर से जहाँ पर लटिशिया काम करती है वहीं पर आइसक्रीम खाने के लिए आया। वो उसे कहता है कि शायद अब तुम्हारी शिफ्ट खत्म होगी, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ, ये मेरे घर की वे पर ही है। लटिशिया भी इसके लिए मान गई। उसे पूछती है कि उस दिन तुमने मुझे हेल्प क्यों की, तुम रुके क्यों? हैंक कहता है, उस मोमेंट पर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अभी अभी मेरे बेटे की भी डेथ हुई थी, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, पर वो एक बहुत ही आइडियल बेटा था। उसकी डेथ के बाद मुझे लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं बेड से भी निकल नहीं पाता था, अंदर से तकलीफ होने लगती है। लटिशिया ने उसे कहा, क्या तुम अंदर आना चाहते हो? ये दोनों फिर ड्रंक हो गए। लटिशिया बहुत ही पेन में थी। हैंक को पता था कि वो क्या फील करती है। लटिशिया को भी कंफर्ट की ज़रूरत थी, इस वजह से ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह जब हैंक घर पर आया तो रात में उसके फादर को ज़रा चोट आ गई थी। वो अब आराम कर रहे थे। आजकल वो अपना ख्याल रख नहीं पाते। नेक्स्ट डे हैंक सोनी की फ्रेंड्स के फादर के पास आया। वो एक गैराज चलाते थे, वहाँ पर अपनी गाड़ी का काम उसे दे दिया। गाड़ी जब ठीक हो जाती है तो लटिशिया के पास आया। उसने कार उसे गिफ्ट दे दी। वो कहता है, वैसे भी मुझे इसका कोई भी यूज़ नहीं है। वो अपने काम पर चल कर जाती थी और न्यू काम करने के लिए सेव कर रही थी, पर हैंक उसे गिफ्ट कर देता है। इन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी तरीके से डेवलप हो रही थी। एक दिन लटिशिया हैंक के लिए बहुत अच्छी सी हैट बाय करती है, उसे गिफ्ट देने के लिए घर पर आई। यहाँ पर हैंक के फादर थे। उससे पूछते कि तुम कौन हो? वो कहती है, मैं हैंक की फ्रेंड हूँ। फादर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं, जब मैं यंग था तो मुझे भी निग्रो लड़कियाँ पसंद थी। ये बोलना बहुत ही ऑफेंसिव था और लटिशिया को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो यहाँ से जा रही थी। हैंक भी घर वापस आया और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो मानती नहीं और यहाँ से चली जाती है। इस बात से हैंक अपने फादर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो वैसे भी अपने फादर का ज़्यादा ख्याल रख नहीं पाता था, तो एक ओल्ड एज होम में उन्होंने उसे एडमिट कर दिया। उसके फादर कहते हैं, मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता। हैंक ने कहा कि मैं भी नहीं। इसका मतलब है, अगर अपने फादर की बात वो मानता रहा तो वो भी उनकी तरह अकेला ही पड़ेगा। वो रात में लटिशिया को मनाने के लिए गया, पर वो अब भी उससे बात नहीं कर रही थी। अगले दिन उसने जो गैस स्टेशन बाय किया था उसका नाम वो लटिशिया दे देता है। उसके फ्रेंड ने उसे पूछा कि लटिशिया कौन है, तो उसने प्राउडली कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि लटिशिया के घर पर एक ऑफिसर आया हुआ था। उसने बहुत दिनों से बैंक का लोन पे नहीं किया तो उसे अब घर से बाहर निकाल देते हैं। लटिशिया ने फिर हैंक को कॉल किया। उसका सारा सामान हैंक अपने घर में रख देता है। लटिशिया के बेटे की जो भी सामान था वो हैंक ने अपने बेटे के रूम में रखा। उसे कहता है, मुझे तुम्हारा हमेशा ख्याल रखना है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए।
आज रात हैंक को फिर से आइसक्रीम खाना था, वो लटीशा के लिए भी लेकर आने वाला है। वो बाहर गया था तो लटीशा फिर से अपने बेटे की तस्वीर देखने के लिए रूम में गई। यहाँ पर वो सोनी की चीज़ें देखती है। उसके हस्बैंड ने हैंक और सोनी की जो भी फोटो बनाई थी ये उसने वहाँ देखी। ये देखकर वो बहुत रोई, वो गुस्सा भी थी और हार्ट ब्रोकन भी। जब हैंक आइसक्रीम लेकर वापस आया तो उसका गुस्सा शांत हो गया था। वो उसे कहती है चलो हम पोर्च में बैठते हैं। हैंग ने अपने हाथों से उसे आइसक्रीम खिलाया। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले थे तो दोनों बहुत ही तकलीफ में थे। एक ही पेन वो शेयर करते, एक दूसरे को समझ सकते। फिर हैंग हमें मूवी के फर्स्ट में जिस तरीके से दिखाया गया था कि वो ब्लैक लोगों को हेट करता था, पर हम सब लोग इमोशंस की वजह से जुड़े हुए हैं। जहाँ इमोशंस है वहाँ पर हम एक दूसरे में डिफरेंस नहीं कर सकते। उसे लटीशा मिली, उसके वो बहुत प्यार में था। लटीशा अब ये बात देख सकती है। ये दोनों मिलकर अपनी आगे की लाइफ कंटिन्यू करते हैं। ये दोनों पोर्च पर बैठे हुए थे और स्टार्स को देख रहे थे, और इसी एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।